फेसबुक से दोस्त की नौकरी के लिए बुलाया, फिर कर लिया किडनैप। मोतिहारी में जलपाईगुड़ी के युवक को बंधक बनाकर हथौड़ी से पीटा, 5 लाख फिरौती मांगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मोतिहारी में नौकरी के नाम पर जलपाईगुड़ी के एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए मोतिहारी के कुछ युवकों ने बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक युवक से पहले दोस्ती की, फिर उसे नौकरी का लालच देकर मोतिहारी बुलाया। पिता फिरौती देने के लिए तैयार नहीं हुए तो आरोपी ने युवक की हथौड़े से पिटाई कर दी और उसका वीडियो बनाकर उसके पिता को भेज दिया। इस पूरे मामले का खुलासा शनिवार को एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने किया है। मोतिहारी पुलिस ने जलपाईगुड़ी के युवक को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मलकोनिया सुरहा से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। 19 को ट्रेन से चला, 20 को मोतिहारी में युवक का अपहरण। मामले का खुलासा करते हुए एसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि जलपाईगुड़ी के रहने वाले युवक की पहचान रिपम कुमार वर्मन उर्फ विक्रम दास के रूप में हुई है, जिनकी दोस्ती फेसबुक पर मोतिहारी के रहने वाले विवेक कुमार और उसके दोस्त मोहम्मद साकिर से हुई थी। दोनों के बीच करीब 3 महीने बातचीत हो रही थी। यहां से दोनों आरोपी उसे स्कूटी पर बैठाकर मलकोनिया सुरहा ले गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके पिता को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने लगे। युवक के पिता तैयार नहीं हुए तो एक आरोपी ने विक्रम को हथौड़ी और लाठी डंडे से पिटाई करते हुए उसका एक वीडियो बनाकर उसके पिता को भेज दिया। आईसीएल के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। जलपाईगुड़ी पुलिस से मिली सूचना और वीडियो के बाद एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने दोनों युवक की सकुशल बरामदगी के लिए आईटी सेल से संपर्क किया। आईटी सेल की टीम ने लोकेशन के आधार पर मलकोनिया सुरहा के पास एक घर में छापेमारी की और जलपाईगुड़ी के युवक को सकुशल बरामद कर लिया। दोनों युवक को बंगाल पुलिस को सौंपा। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि युवकों की प्लानिंग थी कि ऐसे ही फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर नौकरी के नाम पर और लोगों को भी बुलाया जाएगा और फिरौती लेकर छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल के पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसटीवी न्यूज। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर हैं तो एसटीवी न्यूज के पेज को फॉलो कर लाइक कर दीजिए।